हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मेरे चैनल का नाम फ्रीडम है। तो आज मैं आपको गिटार पे एक स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये स्ट्रमिंग पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रमिंग पैटर्न के सपोर्ट से आप बहुत सारे सॉन्ग्स बजा सकते हैं। काफी सारे सॉन्ग्स मेरे स्ट्रमिंग पैटर्न के सपोर्ट से पहले से बजाए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके वो वीडियोस देख के आप वो सारे सॉन्ग सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न। ये स्ट्रमिंग पैटर्न के अंदर चार मूव्स है। तो हमारे गिटार में 6 स्ट्रिंग्स है। हम क्या करेंगे, तीन तीन स्ट्रिंग्स को हाफ हाफ में डिवाइड कर लेंगे। इसका फर्स्ट मूव जो होगा वो ऊपर से 3 से 4 स्ट्रिंग्स पे लगेगा, डाउन। सेकंड मूव जो होगा वो भी ऊपर से 3 से 4 स्ट्रिंग्स पे लगेगा, डाउन। इसका जो थर्ड मूव होगा वो नीचे से 3 से 4 स्ट्रिंग्स पे लगेगा, अप। और जो फोर्थ मूव होगा वो भी नीचे से 3 से 4 स्ट्रिंग पे लगेगा, अप। ये चारों मूव्स मैं एक साथ करके दिखाता हूं। डाउन डाउन अप अप, 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 डाउन डाउन अप। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। धीरे धीरे आप जो है स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। डाउन डाउन अप अप, डाउन डाउन अप अप। इस स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ मैं लेफ्ट हैंड से एक कॉर्ड लगा लेता हूं। अभी मैं जो कॉर्ड लगा रहा हूँ ये ई माइनर कॉर्ड है। अगर आपको ई माइनर कॉर्ड आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं आता है तो ई माइनर कॉर्ड के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके वो वीडियोस देख के आप ई माइनर कॉर्ड के साथ साथ और भी बहुत सारे कॉर्ड सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये स्ट्रमिंग पैटर्न ई माइनर कॉर्ड के साथ। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये स्ट्रमिंग पैटर्न किस तरह बजने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ए टू जेड गिटार सीखना चाहते हैं तो सारे वीडियोस की जो लिंक है वो आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से जाके वो वीडियोस देख के आप 0 लेवल से गिटार को सीख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट रहेगा, तो आप कभी भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है मेरा रिप्लाई थोड़ा सा लेट आए, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।